तो चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का हम लोग का इसमें वीडियो होने वाला है क्लास ट्वेल्थ का पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो कि जितना भी क्वेश्चन होगा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप किए बिना देखते रहिए शुरू से अंत तक, ठीक है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी आपको बताएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसको जाके कॉमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इस साल आप जानते हैं कि एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछे जाएगा आपका ज़्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उन सभी क्वेश्चन के बारे में चलिए जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, ठीक है। तो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, यहाँ पे आप लोग के पास चार को ऑप्शन है, क्या क्या बता रहा है इसमें, 1991 बता रहा है, एक में 1949 बता रहा है, 1945, 1939, ठीक है। तो आप सब जानते हैं कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, तो शीत युद्ध शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, यानी दूसरा विश्व युद्ध अंत हुआ था उसके बाद ही ये स्टार्ट हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध जो चला था कब तक चला था, तो वो चला था 1939 से 1945 तक, ठीक है, तो उसी के बीच में चला था। यहाँ पे 1945 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था, 1945 में, 1945 में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहे हैं हम लोग का। तो नेक्स्ट में हम लोग के पास जो क्वेश्चन है इसमें बता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे आप लोग के पास चार को ऑप्शन है, अगर आपका आंसर जानते हैं इसका तो आप अपने दिमाग में रख लीजिए आपका आंसर सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को, 1945। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है इसमें बता रहा है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है, नेशनल कांग्रेस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है। तो इसमें आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में नेशनल पार्टी पूरी तरह से मतलब सक्रिय है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग के पास क्या है देख लेते हैं उसको भी। तो नेक्स्ट में हम लोग के पास जो क्वेश्चन बता रहा है कि रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो उसमें भी आपको चार को ऑप्शन दिया गया है, तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्टालिन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा शायद, ठीक है, हमको भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। तो अगर आप इसका आंसर जानते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर होने वाला है लेनिन होगा, ठीक है, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की थी लेनिन ने। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट जो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन बता रहा है कि हम पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जिनेवा में, सबसे फर्स्ट में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जिनेवा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में जो हम लोग के पास जो क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटी में किस देश को रखा जा सकता है, तो इसमें भी आप लोग के पास चार ऑप्शन में क्या क्या बता रहे हैं, इसमें जर्मनी है, जापान, मलेशिया और चीन, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान, ठीक है, ये आपका सही होगा आंसर जापान। तो उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में जो क्वेश्चन हम लोग के पास। तो नेक्स्ट में क्या बता रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है क्या है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, यानी किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था एक अलग राज्य के हिसाब से, तो वो गठन हुआ था किसके आधार पर, किस भाषा के आधार पर, यानी भाषा के आधार पर जो राज्य अलग हो रहा था तो आंध्र प्रदेश जो अलग हुआ था वो किस भाषा के आधार पर अलग हुआ था, इसमें आप लोग का राइट होगा तेलुगु, ठीक है। तो तेलुगु भाषा के आधार पर ये अलग हुआ था, एक अलग राज्य के रूप में घोषित हो गया था। उसके बाद चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट में जो क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है। तो नेक्स्ट में बता रहा है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, इसमें क्या क्या बता रहे हैं, इसमें फिलीपींस है, अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है, तो इसमें आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसमें राइट होगा अल्जीरिया, ये मतलब जो आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है चलिए। तो नेक्स्ट में बता रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के सात बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, पूर्वोत्तर भारत के सात बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, इसमें आप लोग का हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, ये उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है चलिए। तो नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है इसमें बता रहा है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था,
यानी जो चुनाव हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा, कौन सा नारा उस टाइम दिया गया था 1971 में, 1971 में जो चुनाव हुआ था, तो उसमें इंदिरा गांधी के द्वारा नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये नारा उस टाइम दिया गया था। उसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट में क्या बता रहा है क्वेश्चन। इसमें से आपका किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको कुछ गलत लगता है तो उसको तुरंत आप कमेंट सेक्शन में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि उसका फ़ायदा दूसरे बच्चों को भी मिल सके। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में जो बता रहा है क्या, देश क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1962, 1962 में ये उत्पन्न हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोग को। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन है कि 1971 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी, क्या बता रहा है 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो ये क्या था, लेनिन ने, ठीक है, लेनिन के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, चलिए तो नेक्स्ट में है, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था, कुवैत ने किस राज्य ने कब्जा किया था, ठीक है, तो वो किया था इराक ने, किसने कब्जा किया था, इराक के द्वारा वो कब्जा किया गया था। उसके बाद हम लोग के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में है कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था, खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अपनाया गया था, किसने अपनाया था वो, तो वो अपनाया था चीन ने, सबसे पहले खुले द्वार की नीति जो अपनाया था चीन ने अपनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, किसका मुख्यालय बोल रहे हैं, दक्षेस का मुख्यालय ये है आपका थिम्फू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है, वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है, उसी के बारे में से बात कर रहा है इसमें कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है, तो ये हो जाएगा आपका वैश्विक सुरक्षा, इसके विषय का ये मामला है, ठीक है, वैश्विक सुरक्षा का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है, चलिए तो नेक्स्ट बता रहा है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, कौन सा राज्य का, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था किस भाषा के आधार पर, ये बताया आपको तेलुगु के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग के पास है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना, क्या बता रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी जो पंचवर्षीय योजना होता है, पाँच वर्षों का योजना का एक बनाया जाता है, ठीक है, प्रारूप बनाया जाता है, तो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना बनाया गया था वह किसके मतलब द्वारा किया गया था, योजना का जो प्रारूप किसके द्वारा, तो वो किया गया था आपका पीसी महलनोबिस, ठीक है, इन्हीं के द्वारा वो किया गया था। उसके बाद देखते हैं, चलिए नेक्स्ट में क्या बता रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। तो नेक्स्ट में बता रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, क्या बता रहा है, मैकमोहन रेखा कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग के पास क्वेश्चन क्या बता रहा है चलिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत को सात वाहनों में शामिल नहीं है, निम्न में कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी भारत को सात वाहनों में शामिल नहीं है, इसमें आप लोग का हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। इसी तरह का और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। और भी आप क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हो तो देखिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उन सभी वीडियो का आप देख सकते हैं जाके। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स भी होगा क्लास 12th में, उसको वीडियो सेंड कीजिए ताकि उसको फायदा इसका मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।